नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड जो कंप्यूटर के जो एम सी क्यूज लेके आया हूँ जिनमें जी मेल एस एम एस और इंटरनेट से रिलेटेड एम सी क्यूज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अभी जो यू जी सी नेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में इंटरनेट इनिशियली डिवेलप वाज डिवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय तो क्या क्या ऑप्शन दी गई अर्पानेट बिल रोजर्स बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ़्ट तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आई अर्पानेट मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूँ इंटरनेट इनिशियली डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय अर्पा नेट नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज बाय इन्होंने इसको यूज़ किया था पहले सबसे पहले तो क्या क्या ऑप्शन दिखे बिल गेट्स अर्पा नेट टिम्बरली या बिल रोजर्स तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जी बिल रोजर्स नेक्स्ट वट आर द यूज ऑफ द इंटरनेट तो इसमें ऑल ऑफ दबी क्या क्या यूजेज होती हैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सभी के सभी ही इंटरनेट में यूज़ की जाती हैं नेक्स्ट डॉट नेट डोमेन इज़ यूज फॉर डॉट नेट डोमेन इज़ यूज फॉर क्या क्या ऑप्शन दी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द बब तो डॉट नेट डोमेन किस लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स नेक्स्ट व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ़ यूआरएल यूआरएल की क्या फुल फॉर्म है जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ ई मेल आर ई मेल के क्या क्या बेनिफिट हैं स्पीड ठीक है कॉस्ट रिकॉर्ड कीपिंग ऑल ऑफ द बब यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आल ऑफ़ द बब यानी कि आप जो भी अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपका मेल है वो बहुत ही स्पीड स्थी से भेज सकते हैं इसमें आपकी बहुत ही लो कॉस्ट लगेगी और आपका रिकॉर्ड भी इसमें सेव रहेगा नेक्स्ट डब्ल्यू 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 प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेस टू किसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन राइज एक्सेस देता है ये गोपर टेलनेट एफ टी पी आल ऑफ द बब तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ़ द बब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस आर नोट आर इंटरनेट ब्राउजर इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है ठीक तो है क्या क्या ऑप्शन दिए नर्स कैप नेविगेटर क्रोम ड्रुपाल ओपेरा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ड्रोपाल ये क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के भी जो टू में एग्जाम हुआ उनमें यह क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट वट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रैंडम एक्सेस मेमरी फॉर इंटरनेट एक्सेस इंटरनेट एक्सेस के लिए कम से कम रैम की कितनी यूज ज़रूरत होती है तो क्या क्या ऑप्शन दी गई एट एम बी सिक्सटीन एम बी थर्टी टू एम बी और सिक्सटी फोर एम बी तो ऑप्शन पर इसका रेट आंसर है थर्टी टू एम बी नेक्स्ट अ मॉडर्म इज नॉट नीडेड वन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू लैन वाई फाई केबल नन ऑफ द बब तो ऑप्शन इसका आंसर है A modem इज नॉट नीडेड when एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू लैन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू यूज केबल फॉर ब्राउजिंग वेब यू विल नीड आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है बहुत ऑप्शन ए और बी बताए गए यानी कि एक केबल मॉडल और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन आई सी नेक्स्ट ए डी एस एल गिफ्ट ए डी एस एल हमको कह देता है फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड एंड देन अपलोडिंग स्पीड फास्टर डाउनलोडिंग speeds than uploading अपलोडिंग next नेक्स्ट is the minimum मिनिमम required रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ठीक है कितनी बैंडविड्थ चाहिए तो क्या क्या ऑप्शन देखिए वन हंड्रेड ट्वेंटी एट के बी पी एस टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स के बी पी एस और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के बी पी एस और टू थाउजेंड फोर्टी एट के बी पी एस तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है, टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स के बी पी एस नेक्स्ट द लिमिट फॉर ए डी एस एल सर्विस इज तो क्या क्या ऑप्शन दी गई एट थाउजेंड फीट टेन थाउजेंड फीट एटीन थाउजेंड फीट और ट्वेंटी थाउजेंड फीट तो ऑप्शन शंबर सीज का राइट आंसर है एटीन थाउजेंड फीट विच ऑफ दिस इज अ वेरिएशन ऑफ ए डी एस एल बट द मॉडर्म कैन एडजस्ट द स्पीड ऑफ द कनेक्शन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइन तो क्या क्या ऑप्शन दी गई वी डी एस एल एस डी एस एल आर ए डी एस एल ऑल ऑफ द बब तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आर ए डी एस एल नेक्स्ट इन केबल मॉडर्म इंटरनेट एक्सेस केबल मॉडर्म ट्रांस टर्मिनेशन सिस्टम सी एम टी एस इज आर एट तो क्या ऑप्शन दी गई ऑप्शन डी एन के बोथ ए और बी ए और बी में क्या दें केबल प्रोवाइडर एंड एंड कस्टमर एंड केबल प्रोवाइडर एंड एंड कस्टमर एंड नेक्स्ट वट टाइप ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेंड इंफॉर्मेशन यू विदाउट रिक्वेस्टिंग दैट इंफॉर्मेशन तो क्या क्या ऑप्शन दी गई ऑप्शन नंबर ए में एफ टू बी टू सी इन्फोवेयर पुश और विकी तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आई पुश नेक्स्ट वट इज अ सेकेंड जनरेशन ऑफ द वेब कार्ड तो क्या बोलेंगी सेकेंड जनरेशन ऑफ वेब को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया वेब टू डॉट जीरो नेक्स्ट वट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी अलाउ इट्स कम्युनिटी मेंबर टू कंटिन्यूसली चेंज द कंटेंट ऑन अ वेबसाइट तो क्या ऑप्शन दी गई नंबर सी इसका आंसर है विकी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिटिव डाटा टाइप तो क्या क्या ऑप्शन दी गई नंबर है बोलेन बाइट स्ट्रिंग डबल तो ऑप्शन नंबर आंसर है स्ट्रिंग विच ऑफ़ द क्लास डेफिनेशन हैज़ हैव इनिशियलाइजेशन बॉक तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है थर्ड द कीवर ट्राई कैच एंड फाइनली आर टिपिकली यूज इन द सवेंस ऑप्शन नंबर इसका दिया गया ट्राई कैच एंड फाइनली इसका जो आई टी इस सिक्वेंस इसमें बताया गया नेक्स्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन फ्रॉम प्रेमटिव टाइप टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग व्रैपर क्लास इज कॉल्ड बॉक्सिंग यानी कि ऑप्शन पर सीज का राइट आंसर है बॉक्सिंग द फैक्ट दैट एनी प्रोग्राम कैन प्रिंट यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इम्पलीफाई दैट सिस्टम इज डिफाइंड इन द पैकेज जावा डॉट लैंग सिस्टम इज अ क्लास नेम आउट इज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट इज अ मैथड यानी कि सभी के सभी ऑप्शन इसका आंसर है नेक्स्ट विच द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन तो, नंबर ए बी और सी इसका जो है राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ट्रू इफ आ एक्सटेंड बी इज सेंटिकली करेक्ट इन अ प्रोग्राम तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी दिया गया ए क्लास एंड बी ए ए इज अ क्लास एंड बी इज एन इंटरफेस और ए इज एन इंटरफेस एंड बी इज अ क्लास यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट विच आर फॉलोइंग पैकेज नीडिड टू इम्पोर्ट टू यूज स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास तो ऑप्शन नंबर बी इसका रेट आंसर है जावा डॉट यूटिल रिप्रजेंटेशन द रेंज ऑफ वैल्यू दैट आर वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप बाइट कैन टेक तो ऑप्शन नंबर ए इसका रेट आंसर है जी माइनस वन ट्वेंटी एट टू प्लस वन ट्वेंटी सैवन नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड स्ट्रीम स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कौन सा ऑप्शन नंबर बी आउट नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग रेपोजिटरी इज यूज बाय द रन टाइम सिस्टम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सेप्शन हैंडलर वेन एन एक्सेप्शन इज थ्रॉम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हैल्स टैक विच द फॉलोइंग मैथड ने टेक एनी पैरामीटर नो रिटर्न एनी थिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फाइने लाइज नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग पैकेजेज इज इंपोर्टेड बाय डिफॉल्ट तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है जावा डॉट लैंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज इंपॉर्टेड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर है जावा डॉट लैंग नेक्स्ट डिस्क्राइब अ क्लास विदाउट एन एक्सेस स्पेसिफायर तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी मेट मेक्स इट एक्सेसिबल ओनली टू अदर क्लासेस इन द सेम पैकेज नेक्स्ट क्वेश्चन What does the statement system dot out dot print uh, bracket plus plus five print? So right answer of okay, option body result in a compilation error. Next the code to initialize an instance variable can appear in the class definition initialize block constructor superclass. Next question which of the following operators associated for right to left? कौन से ऑपरेटर हैं जी ऑप्शन नंबर ए के इक्वल और ऑप्शन नंबर डी प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट दोस्तों ये तो करीब पचास के करीब एम सी क्यूज जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे जो आपको यू जी सी नेट में आ सकते हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको यू जी सी नेट में आ सकता है और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो आ चुके हैं अभी दोस्तों आपको करने का अगर मेरे इस वीडियो को लाइक करना का शेयर करना का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ऐसे और भी एम सी क्यूज़ में आपके लिए लेके आ सकूँ धन्यवाद